बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं दाल कद्दू। ये गोल वाले कद्दू मैंने लिए हैं, ये दो कद्दू थे और इनको इस साइज़ का इतना बारीक आपने काट लेना है। और एक कप चने की दाल है जिसको मैंने एक घंटा पहले भिगो के और इसको हल्का सा मैंने जो है वो गला लिया, यानी कि दो से तीन उबाल में इसको गला लिया। बहुत ज़्यादा नहीं गलाया कि सिर्फ इतना, यानी कि थोड़ा सा सख्त है दाना, लेकिन इसको एक से दो उबाल आप दे सकते हैं। और शुरू करते हैं। दो से तीन चम्मच जो है वो ऑयल के डालेंगे हम। एक तकरीबन दरमियाने साइज से थोड़ा सा बड़ा था, फुल बड़ा प्याज नहीं था, इसको आप इसी तरह ये बारीक चॉप कर लें। और दो दरमियाने साइज के टमाटर थे, इनको भी रफली चॉप कर लें। तीन हरी मिर्चें हैं और ये एक इंच का टुकड़ा अदरक है जो मैंने इस तरह बारीक कटिंग में कर लिया। इसको ये सारा हम इकट्ठा ही डाल देंगे ऑयल में। और ये तकरीबन लहसुन के जो हैं 7 से 8 जवे थे जिनको मैंने कूट के थोड़े से पानी में भिगो लिया था। इनके साथ थोड़ा सा नमक डालेंगे। मैंने दाल को उबालते वक्त उसमें 1/2 टीस्पून नमक का डाला था और उसमें कुछ नहीं डाला, तो इसलिए इसमें अभी मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ ताकि बाद में फिर देख लेंगे। इसको बस हमने थोड़ा सा नरम करना है। जैसे ये गर्म हो जाएगा, तेज़ आंच ही रखनी है हमने, तो इसको हमने सिर्फ थोड़ा सा नरम करना है, कलर चेंज नहीं करना। 2 से 3 मिनट लगेंगे, 2 मिनट तकरीबन लगेंगे और ये नरम हो जाएगा। प्याज भी हमने सिर्फ नरम करना है और टमाटर भी नरम करने हैं थोड़े से। अच्छा, ये हमारे जो हैं वो प्याज नरम हो चुके हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि टमाटर भी जो हैं वो गल चुके हैं। इसको तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लगे हैं और इसमें अब हम ये कद्दू डाल देंगे। ये मैंने दो दरमियाने साइज़ के कद्दू लिए थे, इनको पानी में भिगो लें काट के, क्योंकि ये फिर अगर ज़्यादा देर पड़े रहें तो ये काले हो जाते हैं। इसको इसमें हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे कि ये सारा मसाला जो है वो इसके साथ मिक्स हो जाए और ये अपना थोड़ा सा पानी भी छोड़ दें। तो इस स्टेज पे सिर्फ हम हल्दी डालेंगे, 1/2 टीस्पून के करीब जो है वो हल्दी इसमें डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे इसमें, ताकि इन पे कद्दूओं पे अच्छा सा कलर भी आ जाए और ये अपना थोड़ा सा पानी भी छोड़ दें और नरम भी हो जाए। अभी हमने इसमें कोई मिर्चें कोई कुछ नहीं डाला। जब ये हल्दी अच्छे से मिक्स हो जाए तो तब हमने इसमें अदरक का पाउडर डालना है, ये तकरीबन 1 टीस्पून ना, क्योंकि हमने इसमें अदरक भी डाला है इसलिए अदरक का पाउडर जो है वो सिर्फ 1 टीस्पून डालेंगे। अगर आपने अदरक काट के डालना है तो फिर आप साथ इसका पाउडर भी डालेंगे। अगर आपने इसको कूट के डाल लेना है, जैसे कि हमने लहसुन को डाला है, अगर कूट के डालेंगे तो फिर आप इसमें पाउडर नहीं डालेंगे। तो मैंने वो काट के डाला है अदरक, इसलिए मैंने ये साथ ऐड किया है। इसको हम तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको भी हम फ्राई करेंगे। अच्छा, कद्दू हमारे तकरीबन फ्राई हो चुके हैं और इन्होंने पानी भी काफ़ी छोड़ दिया है। तो इसमें बाज़ औक़ात होता है कि अगर कद्दू ज़्यादा छोटे हैं तो वो जल्दी गल जाते हैं। थे तो ये छोटे ही, लेकिन ये है कि ये गले नहीं हैं, तो इसलिए हम इसकी आंच जो है थोड़ा सा हम जो है, क्योंकि दाल का पानी जो है ना, दाल ये हम ऑलरेडी हाफ डन कर चुके हैं। अगर यानी कि आपने दाल हाफ डन नहीं की तो आप फिर इसी स्टेज पर दाल के समेत डाल सकते हैं और हल्की आंच पे दम पे पका ले, दाल भी गल जाएगी और कद्दू भी गल जाएंगे। तो मैंने तो हाफ डन की हुई है इसलिए मैं इसको बाद में डालूंगी। थोड़ा सा पानी दाल का जो है इसमें डाल दूंगी और इसको मैं आंच कम करके हल्की आंच पे इसको ढक के कोई तकरीबन 5 मिनट पकाऊंगी कि ये गल जाएं, ताकि फिर हमारे जब हम दाल डालें
तो उसमें ये सही ज़्यादा ना हमें गलाने पड़े, क्योंकि अगर इस स्टेज पे हम दाल डाल देंगे अगर उबली हुई दाल है तो वो फिर ज़्यादा गल जाएगी और कद्दू जो है वो साबुत रह जाएंगे तो दाल घुल जाएगी। तो हमें ये यानी कि भुनी हुई बनाना है बिल्कुल, दाल कद्दू जो है ना वो भुना हुआ में बनाना है, वो शोरबे वाला नहीं बनाना। तो यहाँ आँच कम करके इसको थोड़ी देर 5 मिनट के लिए मैं ढक के पकाऊंगी कि ये कद्दू थोड़ा सा गल जाए। अच्छा, ये हाफ डन हो चुका है, जैसे कि ये चम्मच से आराम से टूट रहा है। अभी थोड़ी सी इसमें कसर है, पूरा डन नहीं हुआ, तो अब हम इसमें थोड़ी सी तेज़ आंच करेंगे, यानी कि बहुत तेज़ नहीं, दरमियानी आंच करेंगे, और ये दाल जो हमने रखी है ये सारी इसमें डाल देंगे। ये पानी के समेत ही डालनी है, हमने पानी इसका फेंका नहीं है। अब हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे, तकरीबन 1.5 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून। इसको 2 से 3 उबाल आ जाएं तेज़ आंच पे, तो फिर हम इसको दम पे रख देंगे। उबाल आ गया है तो अभी हम इसको जो है ढक के तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाएंगे, ताकि कद्दू में जो थोड़ी सी कसर है वो भी गल जाए, इसका पानी भी खुश्क हो जाए। तो इसके बाद हम इसमें ज़ीरा, इसकी नमक मिर्च भी चेक कर लेंगे, तो इसमें फिर ज़ीरा और सूखा धनिया जो है वो डाल देंगे। तो इसको अभी हम 5 से 7 मिनट ढक के पकाएंगे। अच्छा, हमारा ये सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा कि दाल भी गल चुकी है, कद्दू भी गल चुके हैं, और अब हम ये सिर्फ अब 2 मिनट हम इसको रखेंगे कि ये घी छोड़ दे। तो इसमें नमक मैंने चेक किया था, नमक थोड़ा सा कम है, 1/2 टीस्पून मैं और डालूँगी नमक की, और सूखा धनिया जो है ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब डाला है मैंने, और सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। इसको 2 मिनट दम पे देते हैं, और ताकि ये इसमें मसाला जो है इसका सारा मिक्स हो जाए, और इसको डिश आउट करते हैं। इस पे हरा धनिया डाल लेंगे डिश आउट करके, इस पे हरा धनिया डाल लेंगे थोड़ी सी गार्निश के लिए। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।